सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज की इस वीडियो में बनाने वाले फोर लेयर सब वूफर का वॉइस कॉइल, जो कि आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा हम कैसे बनाने वाला। गाइस, ये देख सकते हैं नॉर्मल सा जो मार्केट में मिलता है कॉइल, ये वॉइस कॉइल है 8 इंची का। ये 2 लेयर वॉइस कॉइल होता है और ये इजिली इसमें लग जाता है क्योंकि ये इसी के लिए बना होता है। गाइस, हम लोग बनाने वाले 4 लेयर वॉइस कॉइल। तो गाइस, वीडियो में पूरा कंप्लीट मैं बताऊंगा किस तरीके से कैसे कैसे क्या करना है जिसके अंदर। तो गाइस, हम लोग जो कॉइल बनाएंगे इसका जो इसके अंदर है वो नहीं घुस पाएगा, तो इसका भी मैं बताऊंगा कि क्या करना है, जैसे कि हमारा इसमें ये वूफर है, वूफर से सब वूफर बन जाए। तो गाइस, इसलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे क्या प्रोसेस है बनाने का वॉइस कॉइल। हमें कुछ ऐसा पीवीसी का पाइप लेना होगा जो इसके अंदर इजीली घुस जाए, थोड़ा सा हार्ड रहे, मतलब ज़्यादा भी प्लेन आ रहा है, हल्का प्लेन रहे, और फिर इसके ऊपर ही हम लोग वाइंडिंग करेंगे। चलिए, इस प्रकार का चार्ट पेपर ले लेना है और उसको इसके ऊपर जो हमारा कॉइल बनेगा उसके नीचे कुछ इस प्रकार से लगा देना है। चलिए इसे लगा लेते हैं। जब देख सकते हैं जब जिस पे हम वाइंडिंग करेंगे कॉइल का, वो पेपर भी हम लोग लगा लेते हैं। तो गाइस, अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लोग टेपिंग कर लेंगे। तो गाइस, हमारा आधा काम कंप्लीट हो गया। गाइस, हम लोग इसी के ऊपर वाइंडिंग करेंगे। चलिए अब इसे मशीन पे लगाते हैं। देख सकते हैं हमने मशीन पे लगा दिया है। चलिए अब इस पर वाइंडिंग करते हैं और वाइंडिंग में कौन सा वायर यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। गाइस, आप वॉइस कॉइल ले लीजिएगा मार्केट से और इसका जितना गेज होगा, जो भी जहाँ से वायर लेंगे वहाँ पे आप नपा के इसी गेज का वायर ले लीजिएगा। तो चलिए गाइस, मैं इसकी वाइंडिंग करता हूँ। देख सकते हैं मैंने उसी को नपाया है, मेरे पास मशीन पड़ा हुआ है। तो गाइस, मेरा जो ट्रांसफार्मर पुराना था ये सेम गेज का वायर है, तो मैं गाइस इसी का यूज़ करके इसका कॉइल बनाऊंगा। चलिए गाइस, वाइंडिंग स्टार्ट करते हैं। वाइंडिंग स्टार्ट करने से गाइस पहले आपको क्या करना है कि इसके ऊपर थोड़ा सा ग्लू लगा लेना है, जिससे कि हमारा जो वायर होगा वो अच्छे तरीके से इस पर चिपक गया है। तो गाइस, कुछ इस प्रकार से हम लोग इसमें फंसा लेंगे। और गाइस, आप कॉइल का जो हमारा मार्केट का कॉइल होगा उसका टर्न गिन लीजिएगा, कितना टर्न पे है उसका जो वाइंडिंग, उतने ही टर्न पे हम लोग को भी इसका वाइंडिंग करना है। तो गाइस, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको धीरे धीरे हल्के हाथों से इसकी वाइंडिंग करनी है। तो गाइस, देख सकते हैं हमारा जो एक लेयर है वो कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर भी हम लोग ग्लू लगाएंगे और फिर दूसरा लेयर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो हमारा यहाँ से वायर है ना वापस इसके ऊपर वाइंडिंग करेंगे। तो गाइस, चलिए उसे भी करते हैं। उससे पहले गाइस, हम लोग ग्लू लगा लेते हैं। फिर गाइस, हम लोग पूरा ग्लू लगा लिया है। अब चलिए इसकी ऊपर से वाइंडिंग करते हैं, जो हमारा दूसरा लेयर बनेगा। तो देख सकते हैं हमारा दूसरा लेयर भी कंप्लीट हो गया है। अब क्या करेंगे, वापस से हम इसके ऊपर ग्लू लगाएंगे और ये जो वायर हमारा जो आया है वाइंडिंग होके, वो वापस से पीछे की तरफ वाइंडिंग होगा, फिर वापस उस आगे की तरफ वाइंडिंग होगा। तो गाइस, चलिए उसे भी कर लेते हैं। तो गाइस, देख सकते हैं हमारा जो तीसरा लेयर है वॉइस कॉइल का, वो भी कंप्लीट हो गया है। अब आखिरी वॉइस कॉइल का जो हमारा टर्न है वो हम लोग को करना है, और उसके बाद भी हम लोग को इसके ऊपर भी ग्लू लगाना है, और फिर वैसे वही प्रोसेस रहेगा, इसके ऊपर भी वाइंडिंग वैसे करते हैं। चलिए उसको भी कर लेते हैं। तो गाइस, इसमें आपको बताया था 4 वाइंडिंग मैंने किया है, दो दो करके, दो दो को जोड़ा बना के। तो गाइस, चलिए करते हैं इसे भी। सो गाइस, देख सकते हैं हमारा जो चारों लेयर है वॉइस कॉइल को, वो हम लोग ने वाइंडिंग कर दिया है। अब क्या करेंगे गाइस, जो आखिरी इसका सिरा है वो ऊपर निकलेगा और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ग्लू लगा के इसे चिपका देंगे, जिससे कि हमारा जो वाइंडिंग किए हैं हम लोग वो खुले ना वापस। तो गाइस, चलिए इसे चिपका देते हैं और इसके सूखने का इंतजार करते हैं, फिर हम इसे जो है कि मशीन से निकाल लेंगे और फिर इसमें थोड़ा सी जो फिनिशिंग है वो करेंगे। चलिए वेट करिए, थोड़ा सा इसको सूखने देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्या आगे का प्रोसेस। तो गाइस, देख सकते हैं हमारा जो 4 लेयर वॉइस कॉइल का वाइंडिंग कंप्लीट हो गया और ये सूख भी गया। चलिए अब इसका जो अंदर का पीवीसी है वो निकालते हैं और इसके ऊपर का थोड़ा सा आधा जो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो बच गया
किया है हमारा पेपर, उसे कटिंग करते हैं और इसे फिनिशिंग देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। सो गाइस कुछ इस प्रकार से हमारा जो फोर लेयर वॉइस कॉइल है ये रेडी हो गया है। और गाइस अब चलिए हम बताते हैं कि इसका क्या प्रोसेस है आगे का, जो हमारा जो खराद मशीन होती है उस पर क्या क्या हम लोगों को करवाना पड़ेगा, जो हम जो सब वूफर बनाएंगे जो भी बनाएंगे उसके लिए। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर ये फ्रीली मूव कर रहा है। गाइस ये सेम इसका ही पीस है, ये दूसरे 8 इंची का मैंने निकाल रखा है। और गाइस अब ये क्या करना है आपको, गाइस देख सकते हो जो जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि जो ये पहला वाला कॉइल ओरिजिनल कॉइल था ये कुछ इस प्रकार से इसमें इजीली घुस जा रहा था। गाइस ये नहीं, लेकिन ये जो है हमारा लेकिन नहीं घुसेगा। तो गाइस आपको क्या करना होगा, खराब मशीन में थोड़ा थोड़ा इसको जो है काम करवाना पड़ेगा, इसका जो होल है उसका थोड़ा साइज बढ़ा लीजिएगा तो ये जाने लगेगा। और ये इसलिए यहाँ पर फिर आप इसको चिपका दीजिएगा जो एयरलाइट होती है उसकी मदद से। फिर आपको जो ये 3 बोल्ट है, इस 3 बोल्ट की मदद से आप अपने जो चेसिस होता है स्पीकर का वो लगा लीजिएगा और फिर आपका जो ये हमारा जो पोलियर वॉइस कॉइल बन जाएगा और आपका इजिली फिट भी हो जाएगा। तो गाइस आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा इस वॉइस कॉइल के लिए, और वीडियो में पसंद आया हो तो वीडियो को मैं कमेंट जरूर दे दीजिए, बता दीजिएगा हमें कि कैसा दिख रहा है ये वॉइस कॉल, मैंने सही बनाया है कि नहीं बनाया है, वैसे तो सही है ही। चलिए गाइस आज का वीडियो बस इतना ही।